वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के वजीफे किए होंगे और आप कई बार कामयाब और नाकामयाब भी हुए होंगे अगर आप लोग अपने दिल को पाक साफ रखते हैं और हमारे वजीफ़े को अच्छे तरीके से करेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं तो इन आपका बिगड़ा हुआ काम ज़रूर बन जाएगा यानी अगर आपकी मोहब्बत आपका प्यार आपसे दूर चला गया है आपसे रूट गया है आपसे नाराज़ है तो बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें क्योंकि हमारा ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगा अगर आप अपने प्यार को अपने बस में करना चाहते हैं तो हमारा बताया हुआ अमल ज़रूर करें तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि अपने प्यार को पाने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप एक कांच के ग्लास में पानी ले लें जैसे इस वक्त मैंने ले रखा है और उस पानी को थोड़ा सा आपको पीना होगा पहले तीन बार आप द्रूशरीफ पढ़ेंगे फिर तीन बार द्रुश शरीफ पढ़ने के बाद सात बार आप कलमा पढ़ेंगे यानी कि इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसके बाद फिर थोड़ा सा आप पानी पी करके तीन बार दरुज शरीफ पढ़ें फिर एक कागज़ पर अपने प्यार का नाम लिखकर पानी के गिलास को अपने प्यार के नाम के ऊपर रख दें और कागज़ को छत पर पानी की टंकी के पास रख दें और फिर आप देखेंगे कि आपका प्यार कैसे आपसे एक झटके में आने के लिए तड़पेगा आपसे मिलने के लिए बेचैन होगा आपके पास आना चाहेगा आप इस अमल का एक ही बार इस्तेमाल करके अपनी मोहब्बत को बस पे कर सकते हैं कहा जाता है कि अमल का ये कलमा इतना ताकतवर है कि इसका कोई तोड़ नहीं है और आप इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं जो लड़की पहले आपसे प्यार करती थी और अब आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है वो आपके खुद करीब आ जाएगी कुछ ही घंटों में इस अमल का असर आप अपनी आंखों से देखेंगे याद रखिएगा कि पानी पर सात बार कलमा पढ़ना है यकीन मानिए अमल के कुछ ही घंटों बाद आपके मोहब्बत के दिल में ऑटोमेटिकली जज्बात पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो इंसान आपसे दूर चला गया था उसके दिल में आपके लिए कसक पैदा होगी और वो आपके पास आना चाहेगा वो आपको देखने के लिए तरसेगा आपको फोन करेगा या खुद आपके पास चल कर आएगा ये बहुत ही पावरफुल अमल है और हाँ ये बात ज़रूर याद रखें कि किसी को खाम परेशान करने के लिए आपको इस अमल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ऐसी बातों से अल्लाह ताला बेहद नाराज़ हो जाता है अपने बंदों से इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि अल्लाह हमसे राज़ी ना हो नाजिन चलने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये वजीफ़ा ये अमल आपसे नहीं हो पाएगा तो स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं ये हमारे मौलाना साहब का नंबर है और इस पर आप बात करके अपनी परेशानियों का उनसे हल निकलवा सकते हैं और वो आपकी इन ज़रूर मदद करेंगे तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त फिर से हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़